गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लेसन फाइव को कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि और कि ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्युलर में डिवाइड कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स दे हैव एंड ऑल्सो वी लर्न दैट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल मे वेरी अलॉट एंड शेप ऑफ द सेल्स डिपेंड अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स इन ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट सेल इज द न्यूरोन एंड इन जनरली माइक्रो प्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल वाइल द ऑस्ट्रिच एग इज दार्जेस्ट सेल ना वी विल टॉक अबाउट द थ्री बेसिक फीचर्स विच एवरी सेल प्रोजेस कोई भी सेल हो उसमें तीन चीजें जरूर प्रेजेंट होती हैं ताकि वो एक, तभी वो एक सेल कहलाता है और वो अपने एनवायरमेंट से सेपरेट रहता है वो तीन चीजें क्या है प्लाज्मा मेमरेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई सबसे बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि एक सेल जब डिवाइड करके दो सेल में बनेगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इस जेनेटिक मटीरियल को पास ऑन करेगा जिससे सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डिसाइड होते हैं और साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है ये एक फ्लूइड मीडियम है जिसके अंदर सेल की सारी रिएक्शंस होती हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या और कह सकते हैं हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं तो ये सबसे ये क्या होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ठीक है ना सबसे बाहर है ये सेल के तो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई थिन है बहुत ही डेलिकेट होती है डेलिकेट इन सेंस ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और किसकी बनी होती है ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स भी कह सकते हैं सो so, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड इसी वजह से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है तो आपने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो क्या करता है विद दी हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं सूडो इसको हम सूडो कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को तो इस जैसे ये फूड यहां पे था तो ये उसको फूड को पकड़ लेगा और अपने अंदर खींच लेगा लेकिन ये अपने अंदर इसको क्यों खींच पाता है क्योंकि जो अमीबा है इसकी सबसे बाहर वाली मेमरीन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ये क्योंकि एक सिंगल सेल है तो एक सेल के सबसे बाहर क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ही इसने खाने को अंदर खींचा है एंड इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं एंडोसाइटोसिस सो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है इट हेल्प्स द सेल टू एनगल्फ द फूड एंड एनी अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट and how, how endocytosis is possible endocytosis is possible because of the flexibility of plasma membrane and this flexibility is provided by the phospholipid nature of the plasma membrane so now what are the functions of plasma membrane what are the functions of plasma membrane first of all we need to understand that it is a semi permeable और यू कैन ऑल्सो से सिलेक्टिवली पर्मीएबल सो इट इज अ सेमी परमीएबल और सिलेक्टिवली पर्मिएबल मेम्ब्रेन, इट मीन्स दैट इट बिकॉज इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है तो ये सिर्फ सिलेक्टिवली अलाउ करती है कि कौन से substances जो है वो सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि जिसकी जो भी सब्सटेंस चाहेगा वो अंदर चला जाएगा जो भी सब्सटेंस चाहेगा वो सेल से बाहर चला जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है एक बाउंड्री है सेल की तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा अगर किसी भी कंटेंट को सेल के अंदर जाना है या इवन अगर सेल से किसी भी चीज को बाहर जाना है तो भी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है और ये सिलेक्टिवली अलाउ करेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि कौन से सब्सटेंसेस को अंदर जाना है एंड कौन से सब्सटैसेज को बाहर जाना है सो बिकॉज इट अलाउज द एंट्री ऑफ एंड एग्जिट ऑफ ओनली सिलेक्टिव मटीरियल दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी परमिएबल और यू कैन ऑल्सो से सिलेक्टिवली परमीएबल और यू कैन ऑल्सो से पार्शियली परमीएबल मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप होगी उसी तरह की सेल की भी शेप होगी क्योंकि जैसे अगर कोई एक रूम है रूम की बाहर की बाउंड्री की जैसी शेप होगी वैसी ही रूम की शेप होगी इसी तरीके से सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी शेप होगी उसी तरीके से सेल uh, की भी शेप होगी देन ये एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है एक रुकावट की तरह एक्ट कर रहा है कि अंदर का कोई भी सब्सटेंस बाहर लीक ना करे या अगर अंदर से कोई एक माइक्रोब है वो अंदर घुसना चाहता है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा तो ये सेल को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है देन अगर इसको कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करने है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर लेती है बिकॉज इसका फ्लेक्सिबल नेचर होता है सो दिस दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अब इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल है तो ये उसकी क्या हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस जाता है अब वो कौन कौनसी स्टेट में हो सकता है सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है या वो गैस हो सकती है तो कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है सेल के आर पार, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा इसीलिए हम क्या कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन क्योंकि सबसे पहले उसको किसी को किसको क्रॉस करना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करना पड़ेगा तो अब मान लो कोई एक सॉलिड है उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है सेल के अंदर कम है तो क्या होगा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ क्या मूव करेगा ये सब्सटेंस मूव करेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं सो so, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो एनी स्टेट सो इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑन द स्पॉट मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस कुड बी आई सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज दी डिफ्यूजन अगर यहां से अंदर जाना यहां ज्यादा कंसंट्रेशन है तो अंदर की साइड पे जाएगा या यहां ज्यादा कंसंट्रेशन होती बाहर कम होती तो इस साइड पे जाएगा सो so, डिफ्यूजन का सिंपली मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस का मूव करना और ये सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है ठीक है जैसे अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लें या कोई भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है हम यहां पे अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं ये अमीबा है तो अमीबा के अमीबा को जब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की तो यहां से द, डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से क्योंकि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा है अमीबा के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है तो सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन है वो क्या कर जाएगी मूव कर जाएगी ठीक है सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे डिफ्यूजन कहेंगे अब ये अमीबा इस ऑक्सीजन को यूज करेगा जब ये अमीबा इस ऑक्सीजन को यूज कर लेगा तो इसके अंदर कौन सी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी सीओ टू की लेकिन बाहर सीओ टू की कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है तो ये सीओ टू अगेन डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल के बाहर जा सकती है सो दिस इज डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो गैसेस में ज्यादा फास्ट होता है एस कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स बिकॉज गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है सो so ये एक प्रोसेस हुआ इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प जि, की हेल्प से सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल और स्मोसेस का मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है यहां पे हम सॉलिड लिक्विड और गैस जनरल बात नहीं करेंगे जैसे डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है ऑस्मोसिस में हम स्पेसिफिकली किसकी बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन अगर सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन नहीं है और तब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं देन वी विल सिंपली कॉल इट एज अ डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस But when the membrane is selectively permeable, like plasma membrane, and the movement of water molecules across the plasma membrane from high concentration to low concentration, that is the osmosis. Okay, now this process of osmosis will depend, the movement of water molecules will depend upon the type of solution in which the cell is. ठीक है अब डिपेंड करेगा ना कि एक कोई एक सेल है उसके आसपास कम पानी है ज्यादा पानी है या सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि पानी की मूवमेंट जो है वो सेल के बाहर होगी या सेल के अंदर होगी या कोई भी मूवमेंट नहीं होगी